This video is brought to you by Shaheen Group of Institutions, now in Hyderabad, HM Isa Concerns, Builders and Developers, Firdaus Caterers, and by ASK Tours and Travels. Hello everybody and welcome to GoHash Hyderabad. हैदराबाद में चलती हुई लगातार बारिश की वजह से कई सारे नुकसान लोगों पे चल रहे हैं। हैदराबाद में आई हुई बारीक बरकम बारिश की वजह से कई सारे लोगों की जिंदगियों में तकलीफ आ चुकी। मेयर और खैरताबाद कॉरपोरेशन पैनल के विजय रेड्डी साहब ने विजिट किया अलोंग विद जीएचएमसी इमरजेंसी टीम। आए देखते हैं द कंप्लीट रिपोर्ट। इस वक्त रात के 3 बज रहे, पूरे मोहल्ले के जो है ना आसपास के गलियों में जो है ना 4-4 फीट पानी जमा हो गया। हमारे बस्ती को 2-2 कारपोरेटर रहने के बावजूद कोई पुरसाने हाल नहीं है। जीएचएमसी अमला भी लापरवाही ज़्यादा हो गई, वो भी जो है ना लाके जो है ना हमारे यहाँ पे जो है ना पंप रखे प्रेशर पंप, वो भी जो है ना आज तक एक मरतबा भी चालू नहीं करे। पानी जो है ना इस तरीके से घरों में दाखिल हो गया, लोग जो है ना महवख्वाब है, नींदों में है, और चंद लोग जो है ना घरों से निकल के जो है ना दूसरों के घरों में मुंतकिल हो गए। आप जो है ना बाजू के जो है ना घरों में एक मरतबा नजर डालिए। एरिया कोसा है, ये एमएस मख्ता राजभवन है, ये राजभवन, और पानी जो है ना पूरा। कहीं रोड्स डैमेज हो चुके हैं तो कहीं कार्स, और यहां तक के लो लाइंग एरियाज के अंदर पानी घरों में घुस चुका है। एमएस मख्ता राजभवन रोड पर नाली की दीवार टूटने से कम 200 घरों के अंदर दाखिल हो चुका है, जिसकी वजह से आम आदमी को कई सारी दिक्कतें पेश आ रही हैं। दिस वीडियो इज ब्रॉट टू यू बाय शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, नाउ इन हैदराबाद, HM Isa Concerns, Builders and Developers, Firdaus Caterers, एंड बाय ASK Tours and Travels.